going too little. Now I'm going to make the videos in Hindi. Je voudrais croissant. De pâté. Merci, bonne journée. So today I will be breaking down कि कैसे मैंने यहाँ पे apply किया to get a job, get a seat in my university. सारे practical जो भी प्रैक्टिकलिटी थी वो मैं यहाँ पे बताऊँगी. एंड सेकंड थिंग इज़, आपने नोटिस किया होगा मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, तो अब से शायद मैं हिंदी में ही बात करूँगी अपने वीडियोस में. तो कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको मेरा हिंदी. आज मैं जा रही हूँ लीडर, तो सोचा जाते जाते ही सारे आपको स्टेप्स एक्सप्लेन कर दूँ कि मैंने क्या क्या फॉलो किया था. घर से बहुत दूर तो नहीं है, सब पैदल ही जा रही हूँ मैं अभी. फर्स्टली, जब मैं यहाँ पे अप्लाई करने का कोशिश कर रही थी, सारी मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ी जेंडर में इधर उधर हो जाती है, बट सीख जाऊँगी. फ्रेंच भी वैसे भी सीख रही हूँ. ओके, टू स्टार्ट विथ, मैं पहले सारे कॉलेजेस देख रही थी और सारे कोर्सेज विच आर रेलेवेंट टू माई इंडस्ट्री, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस ले रखा है, वर्क एक्सपीरियंस, तो उसके हिसाब से मार्केटिंग में मैं सारे कोर्सेज देख रही थी. एंड कंट्रीज के मामले में मैंने दो तीन कंट्रीज चूज किए थे. नेदरलैंड्स में उसमें डॉक्टर थी, एंड सेकेंड फ्रांस था, फिर स्वीडन था. उसके बाद मैंने ये भी जॉट डाउन किया कि मेरे लिए कौन सा वेदर कंडीशन बेहतर रहेगा. एंड अफोर्डेबिलिटी, फिनेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो यू हैव टू लुक इनटू व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर अब्रॉड स्टडीज. तो ये सारे मैंने किए थे. उसके हिसाब से मेरे को तीन कंट्रीज और उसमें से तीन चार लगभग यूनिवर्सिटीज मैंने शॉर्टलिस्ट करे हर एक कंट्री में. उसे मैंने कोर्सेज देखे. बहुत भूख लगा, जाते जाते मैंने एक क्वेश्चन भी खरीदा. कमिंग बैक टू कौन सा यूनिवर्सिटीज और ये सब, तो मैंने एक बेनिफिट्स भी देखे थे कि गवर्नमेंट से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं किस कंट्री में. सो नेदरलैंड्स एंड फ्रांस में काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो आप एज अ स्टूडेंट ले सकते हो, एज अ नॉन यूरोपियन स्टूडेंट. तो ये काफ़ी मुझे अट्रैक्टिव लगे क्योंकि ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में नहीं थे. तो आफ्टर वर्किंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, या फिर आप इनिशियली भी स्टार्ट कर रहे हो, तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फिनेंस के मामले में. तो कोई आपको मदद मिल जाए तो देयर इज नथिंग लाइक इट. सो वो भी मेरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. मैंने बताया मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी नेदरलैंड्स था, तो मैंने अप्लाई करने की स्टार्ट की. और वहाँ पर ये प्रॉब्लम आया कि मैंने इंजीनियरिंग की है टेक्निकल, तो उसके बाद मैं मार्केटिंग में मास्टर्स ढूंढ रही थी, तो उनके हिसाब से वो सुटेबल नहीं था. आई ट्राई टू जस्टिफाई सेइंग कि मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है काफ़ी सारा 8 इयर्स का, बट दे डिड नॉट एग्री. काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज लाइक टिलबर्ग, मास्टरेज, यूट्रेज, काफ़ी सारे थे एक्चुअली. नेदरलैंड्स बहुत अच्छा है एंड बहुत ही सारे बेनिफिट्स आप वहाँ से ले सकते हो, एंड जॉब अपॉर्चुनिटी के मामले में भी काफ़ी अच्छा है. तो मैंने क्या किया, लिंक्डइन में सब देखा था कि मेरे कीवर्ड्स, इंडस्ट्री के कीवर्ड्स डाल के कि अब जॉब अपॉर्चुनिटी कैसा है. तो जब आप जॉब्स में ढूंढते हो कि समझो सोशल मीडिया मार्केटर और सोशल मीडिया मैनेजर समथिंग लाइक दैट कीवर्ड टाइप करते हो जॉब्स में, तो आपको वहाँ पे आ जाएगा कि कितने सारे जॉब्स अवेलेबल है. तो आप थोड़ा डिस्क्रिप्शंस भी देख लोगे तो वहाँ पे आपको पता भी चल जाएगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है. लैंग्वेज कितना ज़रूरी है ये भी आपको पता चल जाएगा. तो ऐसे मैंने जॉट डाउन किया था नेदरलैंड्स, बट वही मैच नहीं हुआ. तो माय इमीडिएट नेक्स्ट टू प्रायोरिटीज वे स्वीडन एंड फ्रांस. स्वीडन का तो मेरे को क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छे नहीं लगे, मैंने थोड़े बहुत दोस्तों से भी बात किए. सो देन आई अप्लाइड फॉर फ्रांस.
अब फ्रांस में मैंने कैसे अप्लाई किया, तो जैसे मेरा लिस्ट निकला था कि मैं ये सारे अप्लाई करूँगी यूनिवर्सिटी पे, तो उनका रिक्वायरमेंट्स देखने पे पता चला कि आईएलटीएस इनका ज़रूरी है 6.5 स्कोर होना, एंड कोई कोई यूनिवर्सिटीज़ जो बहुत ही अच्छे हैं टॉप प्रायोरिटीज़ में आते हैं उन पे जीआरई या जीमैट की रिक्वायरमेंट थी एंड द स्कोर वाज आल्सो नीडेड हाई। तो मैं तैयारी कर रही थी, आईएलटीएस तो मैंने वैसे भी दे रखा था, तो मेरा स्कोर आ गया था 7.5 बैंड। तो स्टार्ट किया मैंने अप्लाई करना, बट मैंने ये चीज़ भी देखी कि वहाँ पे ना टॉप जो टीयर इसमें आता है ये देखो ये लड़की वहां से ऊपर से बबल्स फेंक रही है। सो टॉप प्रायोरिटीज जो कॉलेजेस थे वहां पे बजट भी ज़्यादा जा रहा था जो मैं नहीं अफोर्ड कर सकती थी, तो मैंने टीयर टू जो भी आता है सिटीज उसमें से चेक किए, तो उसमें से एक निकला TBS एंड दो तीन और ऐसे थे जो मैंने अप्लाई करे एंड लकीली TBS से मेरे को रिस्पॉन्स आया एंड एक दो और कॉलेजेस के भी आए, बट TBS का मैंने परस्यू किया बिकॉज यहाँ पे मेरा एक दोस्त रहता था एंड ही हैड अ वेरी गुड रिव्यू अबाउट दिस कॉलेज। मैं खाते खाते तो नहीं जा सकती, तो मैं ये ख़त्म करके अंदर जाऊँगी लिटिल के अंदर, तो तब तक तो फ्रांस में हाँ मेरे को TBS से वापस रिस्पॉन्स आया और उन्होंने इंटरव्यू शेड्यूल करे। तीन राउंड्स के थे, फर्स्ट वन सारे डॉक्यूमेंट्स लिए उन्होंने मेरे से कि क्या क्या है, क्या एक्सपीरियंस है ऑल दैट। सेकेंड एक इंटरव्यू रहा विच वॉज प्री रिकॉर्डेड इंटरव्यू जिसपे मेरे को प्री रिकॉर्डेड क्वेश्चन आते थे और मुझे आंसर करने थे और वो काफ़ी सारे सिंपल थे कि फर्स्ट वन वॉज टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड विच इज़ द बेस्ट कैबिन, क्योंकि आई बिलोंग फ्रॉम मार्केटिंग इंडस्ट्री, तो उसके हिसाब का सारे क्वेश्चन थे कि विच इज़ द बेस्ट कैंपेन दैट यू लाइक टॉक अबाउट विच इज़ द वर्स्ट कैंपेन। तो मैंने आई ऑलरेडी हैड अ गुड प्लेथोरा ऑफ एग्जाम्पल्स दैट आई कैन टॉक अबाउट, तो वो हो गया। फिर अपन क्या, देन आई वेटेड फॉर लाइक गुड 3-4 डेज फॉर उनके रिस्पॉन्स के लिए, फिर आया ऑफर लेटर। यूनिवर्सिटीज या बिजनेस स्कूल्स के लिए यहाँ पे ऑफर लेटर ही निकलता है, नॉट एडमिशन कार्ड ऐसे कुछ नहीं बोलते, ऑफर लेटर या कॉन्ट्रैक्ट। तो वो आया, सो आई चेक्ड, थोड़ा सा हाई था फीस यहाँ का और मेरे लिए फिर भी ओके था बिकॉज ये टायर टू सिटी है, तो पेरिस नहीं है, पेरिस में कैसा है ना बहुत ही बिजी रहता है एंड बहुत कॉम्पिटिशन रहता है, मुझे ये नहीं करना था, मैं बहुत खर्च चुकी हूँ, मुझे शांत कहीं पे एक मेलो डाउन वर्जन का कोई सिटी में रहना था, जो ये बहुत ही बेस्ट था ये ऑप्शन। सो आई सेड लेट्स गो, और कोई और अप्लाई नहीं करता है एंड दैट्स हाउ आई फाइंड इट, यहाँ पे मुझे आना है। मैं आ गई हूँ लिटल के अंदर और यहाँ पे ऐसा एक कार्ट मिलता है, मुझे खरीदना है 3 कार्टन थोड़े पीनट्स लेने हैं। और अब मैंने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगे थे ये यूनिवर्सिटी के लिए, सो वो थे पासपोर्ट, मोटिवेशन लेटर, CVs, सारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, प्रूफ ऑफ फंड्स, आप सर्टिफिकेट ले सकते हो, यू डोंट हैव टू गेट द लोन येट, बट उससे पहले आप सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको एंड इट विल नॉट कॉस्ट एनीथिंग। अगर आप कोई बैंक अकाउंट से ले रहे हो तो आप बात कर लो उनसे, मिल जाएगा आपको, तो दैट इज़ रिक्वायर्ड। तो मैं कुछ खरीदने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, मेरे को समझ नहीं आ रहा, चीप वाला ले लूँ क्या, विन समथिंग, ओके लेट मी ट्राई दिस, कोई टफ नहीं है और रिक्वायरमेंट्स वो आपको यूनिवर्सिटी बोल देगा कि क्या क्या लगेगा एंड वो आप दे सकते हो, इट्स यूजुअली नॉट सो प्रॉब्लमैटिक, जो कोई अदर यूनिवर्सिटीज पूछता है सेम वही पूछता है। हाँ सो एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी, दैट इज़
अब पूछ लो दो टाइम एक्चुअली कि कोई उनका डिस्काउंट ऐसे मिल जाएगा क्या के हिसाब से अर्ली बर्ड एक्सेस तो वो मिल सकता है क्या? अगर मिलता है तो बेटर करेंगे, नहीं तो आप पूछ लो कुछ कोई और डिस्काउंट है जो आप लगा सकते हो। एंड सेकेंड थिंग, हर यूनिवर्सिटी के लिए ना नेसेसरी नहीं है कि आप आइल्स लिखो। अगर आप प्रूव कर सकते हो कि आपने 3 साल इंग्लिश में अपने डिग्री पास करा है, सो दैट शुड ऑल्सो बी इनफ। सो आप भी पूछो मुझसे सही से। आप सुबह सुबह आओगे ना तो आपको ऐसे रिडक्शन मिलेगा चीज़ें यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है कि 30% रिडक्शन। तो इंस्टेड ऑफ 5.8 आई थिंक यू आर गेटिंग दिस एट 3.49। दैट्स अ फेयर डील। तो ये पूरे फ्रीजर में चिकन पे भी था, काफ़ी सारे मीट अवेलेबल हैं यहाँ पे। लुक फॉर रिडक्शन। आई नो ये 1-2 दिन ओल्ड होंगे, बट अगर मैं आज ले जाती हूँ और आज ही इसका कुछ डिश बना देती हूँ, देन इट्स गुड। मैं ये बोलना भूल गई, मेरा बिल यहाँ पे लिटल में हो गया 15 euros। और 15 euros हो गया एंड इसमें मैंने 3 लीटर दूध खरीदा एंड 3 पैकेट्स राइस, अ स्मॉल बॉटल ऑफ वाइन और क्या खरीदे, हाँ एक 190 ग्राम्स का प्रॉन्स ये खरीदे एंड दैट्स इट। या सो 15 euros कम रहता है। आप लिडल ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, चेक कर सकते हो कुछ और वहाँ पे है डिस्काउंट्स अवेलेबल, तो आप सकते हो। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स व्हिच आई मेंशन्ड अर्लियर, देयर आर 2। वन इज कैप व्हिच इज अ स्टूडेंट अलाउंस जो हर किसी को मिलता है, नॉट जस्ट फॉर द स्टूडेंट। ये हाउसिंग अलाउंस होता है तो आप चेक कर सकते हो। बहुत डिपेंड करता है कि आपका घर कहाँ है और लोकेशन क्या है, एमिनिटीज़ क्या है उसमें, और आप कितना रेंट पे कर रहे हो, वो शेयरिंग है या फिर स्टूडियो। स्टूडियो पे थोड़ा ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू शेयरिंग। अगर आप कपल हो तो आप वहाँ पे एज ए कपल डिक्लेयर कर सकते हो, यू डोंट नीड टू बी मैरिड और एनीथिंग, आप कपल कर सकते हो डिक्लेयर, तो आपको थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है। तो ये आपको 100 से 200 euro पर पर्सन मिलेगा डिपेंडिंग ये सारे क्राइटेरिया से। सो ये हो गया आपका, समझो 150 पकड़ते। एंड नेक्स्ट सेकेंड बेनिफिट इज आपको यहाँ पे फूड बैंक है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो हर हफ्ते मंडे या ट्यूसडे डिपेंडिंग कि आप कहाँ रहते हो, ये आपको मिलता है। आपको बस ईजिली रजिस्टर करना पड़ेगा, इट्स नॉट वेरी टेडियस। लिंक ही है ये ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे हर हफ्ता आप बोलो कि मैं बास्केट लेने आ रही हूँ, आपको बस वहाँ पे इंडिकेट करना है। सो आप हर हफ्ते जाके ले सकते हो। आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो कि कितना सारा प्रोडक्ट वो देते हैं, विच कैन लास्ट यू मोर देन 1 or 2 weeks। देख लो, ऑलमोस्ट ये सब करने से आपका पूरा जो एक्सपेंस है मंथली, वीकली या मंथली हो गया, 0 तक भी आ सकता है डिपेंडिंग कि हाँ कैसे आप मैनेज करते हो। सो दीज आर द बेनिफिट्स, चेक करो गाइस, बहुत कुछ अवेलेबल है जो मैं भी शायद नहीं जानती। बहुत ढूंढने पे भगवान भी मिल जाता है। आज आप वेदर देख सकते हो, इट्स लिटिल क्लाउडी, बट यहाँ का भरोसा नहीं होता। सुबह क्लाउडी होता है, ऐसा लगता है कि बारिश हो ही जाएगा, बट देन इतना कड़क धूप निकलता है यहाँ पे, स्किन जल जाता है। तो भरोसा मत करना, आप सब कुछ लेके ही चलना, अपना रेनकोट या जो भी है विंटर का, एंड उसके साथ छाता। एक्चुअली ये साउथ में है, इतना भी ट्रिकी नहीं है। नॉर्थ में मतलब पेरिस जो होता है ये बहुत अनकम्फर्टेबल होता है कम्पेयर टू बोशो जे उधर शॉकलाटे लकाते लुपले लकाते। सो ऑल द वेरी बेस्ट, इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप ये बहुत आपको यूजफुल रहेगा आपके ट्रिप प्लान करने में, फॉर योर स्टडी अब्रॉड।
कुछ भी क्वेश्चंस कुछ भी हो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट, या फिर आप वन ऑन वन कॉल भी बुक कर सकते हो मेरे साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं छोड़ रही हूँ. अंटिल देन सी यू, बाय बाय.